कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 लड़कियां और 2 महिलाएं शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में गिरने से 11 लड़कियों के साथ साथ 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बता दें कि कुएं में गिरने के बाद करीब 1.5 दर्जन महिलाओं को गंभीर रूप से अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हल्दी के दिन मटकोड़वा की रस्म के लिए 13 महिलाएं पहुंची हुई थी, जिनमें से 11 लड़कियां और 2 महिलाएं शामिल हैं। अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 लड़कियां और 2 महिलाएं शामिल है। हादसा हुआ ये नोरंगिया टोला गाँव में, एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था, और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चुरी में हैं, और सारे महिलाएँ और बच्चियाँ हैं, और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है, अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। सर, यहाँ पे तो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते हैं, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुँची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जाँच का विषय है, पहले तो हम पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया, उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी, और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।